प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट करा दिया था, और प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों से सिर्फ इस चैप्टर का फॉर्मेट ही डिस्कस किया था कि इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें होंगी वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तीन टाइप की एक्टिविटी थी हमारी, नंबर वन ऑपरेटिंग, नंबर टू इन्वेस्टिंग, नंबर थ्री फाइनेंसिंग। जो भी हमारे सामने ट्रांजेक्शन आएंगे वो तीन टाइप की एक्टिविटीज़ के अंदर डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर बहुत आसान था तरीका, जितनी भी फिक्स असेट से जुड़ी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कौन सी टाइप की एक्टिविटी होती हैं, जितनी भी फिक्स असेट हैं वो सारी इन्वेस्टिंग टाइप होती हैं, जितने भी लोन शेयर डिबेंचर से जुड़ी ट्रांजेक्शन होगी वो सब फाइनेंसिंग होगी, और इन दोनों को छोड़ के इन दोनों टाइप में जो चीज़ नहीं आ रही वो सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ऑपरेटिंग। मतलब ऑपरेटिंग को बाय डिफॉल्ट आप मान लीजिए बचा खुचा जो भी है जो किसी और एक्टिविटी में नहीं जा पा रहा वो ऑपरेटिंग में जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले आपको शुरुआत नेट प्रॉफिट से करनी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, उसके बाद फिर नॉन कैश एक्सपेंस पहले आएंगे। नॉन कैश एक्सपेंस की कोई टेंशन मत लेना, अगर बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग, सिर्फ दो ही नाम में बोल रहा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अलावा किसी भी एक्सपेंस नेचर का नजर आए कोई नाम, लाइक डेप्रिसिएशन, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमरी एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसिव नाम नजर आए, समझ लेना बैलेंस शीट में अगर किसी एक्सपेंस का नाम है, दो नाम छोड़ के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, ये दोनों करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, ये भी ऑपरेटिंग में जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बाद में जाएंगे। सबसे पहले नॉन कैश एक्सपेंस आएंगे, उसके बाद फिर वर्किंग कैपिटल हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर बस जितनी भी करंट असेट्स है करंट लायबिलिटीज उनको हम शो करेंगे, और अगर इनकम टैक्स हुआ तो टैक्स को बाद में माइनस करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा जिससे कि आपको सारी की सारी बातें जो एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाले हम, यहां पे लिखेंगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, और उसके बाद दो बार रुपीज के कॉलम बनाएंगे हम। सबसे ऊपर इसमें ए टाइप की एक्टिविटी होगी जिसे क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसी में सबसे ज्यादा काम होगा। फिर हमारी बी टाइप की एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, जो बी टाइप की हमारी एक्टिविटीज होंगी इसमें करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज वगैरह कितनी है ज्यादा कुछ खास है नहीं, तो बी टाइप की एक्टिविटी होगी हमारी जिसे बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर उसके बाद इसके अंदर सी टाइप की हमारी एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी जो कि होगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे ज़्यादा काम ऑपरेटिंग में होगा, बाकी सारा काम तो बहुत ही कम और आसान होगा। उसके बाद इसके अंदर हमारा जवाब आएगा पहले जो कि होगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसके बाद फिर हमारा आंसर फाइनल होगा जिसको बोलेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर वन है हम अपना आंसर ही इसके अंदर लिखते हैं। आंसर अगर देखें तो इसके अंदर देखो कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज तीन चीज़ें हो सकती हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ों को जोड़ के इकट्ठा कर लेना। तो अगर आप बैलेंस शीट की असेट सेट देखेंगे तो आपको तीन चीज़ें नजर नहीं आ रही हैं, सिर्फ एक ही चीज़ नजर आ रही है, क्या, बैंक बैलेंस। अच्छा, बैंक बैलेंस साल जब शुरू हुआ 2011 और 2012, इसमें दो साल हैं, जब 2011 था तो बैलेंस इसमें 11,000 था, 2012 में बैलेंस कितना हो गया 15,000, तो हम लिखेंगे जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो 11,000 था, और ईयर एंड होने के बाद जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस इसके अंदर हो गया है वो कितना हो गया इसके अंदर 15,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमारा कैश चेंज तो हुआ है, कितना कैश चेंज हुआ है 4,000 रुपीज, जिसे बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें शुरू करने से पहले मिल गया, 11,000 का बैलेंस कितना बन गया 15,000, इसका मतलब जो हमारा कैश इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो कितना है 4,000। अब हमें बस ये एनालिसिस करना है ये 4,000 का जो इंक्रीज हुआ कितना ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कितना ड्यू टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और कितना ड्यू टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये बात? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से, ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम। कभी कभी इसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर एक एक करके ट्रांजेक्शन को पुटअप करना शुरू करते हैं। अच्छा, बाकी सब के अंदर कोई सब हेडिंग नहीं होगी, लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसके अंदर एक सब हेडिंग भी होती है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम एडजस्टमेंट फॉर, जिसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे। नॉन कैश ट्रांजेक्शन आने के बाद आप इसके अंदर एक सब हेडिंग बनाएंगे जिसे बोलेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सिर्फ इसी में सब हेडिंग बनेगी और किसी में सब हेडिंग नहीं बनेगी। और उसके बाद सारी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। नॉन कैश एक्सपेंस पहले, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज उसके बाद, फिक्स असेट्स यहां पर और शेयर डिबेंचर लोन यहां पर। अब एक एक करके ट्रांजेक्शन को पुटअप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं असेट साइड से ट्रांजेक्शन लेता हूँ। मशीनरी पिछले साल 210,000 की थी, इस साल 280,000 की होगी। पहली बात, ना तो 210,000 शो करने हैं, ना 280,000। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसे शो करने वाले, तो 70,000 का इंक्रीज है उसे शो करने वाले हैं। अब ये 70,000 पे क्या हुआ होगा? पहले मशीन का बैलेंस 210,000 था, अब 280,000 बढ़ गई है मशीन। क्या वजह हो सकती है मशीन के बढ़ने की? परचेज की होगी। एक गोल्डन रूल बता रहा हूं मैं यहां पे, कोई भी असेट, एनी असेट, अगर वो इंक्रीज हो रही है, तो कोई भी असेट अगर इंक्रीज हो रही है तो उस पर उसका कैश पे जो इंपैक्ट पड़ेगा वो अपोजिट पड़ेगा। एक मशीन आपने खरीदी है, बढ़ी है, तो कैश आपका क्या हो जाएगा? माइनस। तो हर एक असेट जो इंक्रीज होगी वो कैश में क्या कर दी जाएगी? माइनस कर दी जाएगी, उसे आप माइनस कर देंगे। और अगर तुम्हारी असेट डिक्रीज हो गई, अगर कोई भी असेट डिक्रीज हो रही है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में? कि उससे हमारा बैलेंस जो है वो प्लस हो जाएगा। लाइक असेट तुमने बेच दी तो आपका कैश का बैलेंस उसमें प्लस हो जाएगा। लायबिलिटीज के साथ क्या होगा? लायबिलिटीज के साथ जो जैसी वो इंपैक्ट आ रहा है वैसा ही असर भी आएगा। लाइक अगर तुम्हारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो कैश तुम्हारे पास बढ़ेगा, ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। लाइक लोन तुमने ले लिया तो लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, साथ में कैश भी इंक्रीज होगा। और अगर तुम्हारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो कैश पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, कैश भी हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इस रूल को आप हर जगह लगाएंगे, सिर्फ एक जगह नहीं कि फिक्स सेट पे लगाएंगे, करंट असेट पे नहीं लगाएंगे, कोई भी चीज जो असेट साइड में इसी रूल से चलेगी। असेट इंक्रीज होगी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसे डिक्रीज कर दिया जाएगा, असेट अगर डिक्रीज होगी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसे इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, मशीनरी 210,000 से इंक्रीज होकर 280,000 हो गई, 70,000 का इंक्रीज है। मैं इसकी तो गारंटी नहीं ले सकता कि कहां पे दिखाएंगे, लेकिन इतना मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि माइनस करना पड़ेगा। कोई भी असेट अगर इंक्रीज हुई है तो माइनस होगा। अब अकॉर्डिंग टू नेचर वो ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग में डालेंगे, इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग में डालेंगे, और फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग में। तो यहां पर अगर देखें तो हमारी असेट इंक्रीज होगी, मैंने बोला कि परचेज हुई होगी। और किसी भी फिक्स्ड को बेचना और खरीदना कौन से टाइप की एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। तो जो भी असर शो करना है यहां पे शो करना, यहां पे लिख देना परचेज ऑफ, क्या चीज़ है ये? मशीनरी। तो मशीनरी की परचेज शो कर देते हैं और 70,000 रुपीज़ यहाँ से क्या कर देते हैं? माइनस। क्लियर है सबको? अगली एंट्री पे आ जाते हैं। अगली एंट्री है डेटर। जितने भी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज है कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी को छोड़ के, क्योंकि वो तो आंसर में यूज होंगी, बाकी जितने भी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद में लिख दी जाएंगी। इंक्रीज है तो वही असेट इंक्रीज है तो डिक्रीज कर देंगे, और डिक्रीज है तो क्या कर देंगे? इंक्रीज। तो यहां पे देखिए, डेटर पहले 96,000 थे, अब 83,000 है। ना तो 96,000 की एंट्री होगी, ना 83,000 की एंट्री होगी, जो बीच में डिफरेंस है जो कि 13,000 कम हो गया। यहां पे लिखूंगा मैं डिक्रीज इन डेटर्स, और ये 13,000 का डिक्रीज है। रूल मैंने लिख दिया, पहले से लिख दिया कि प्लस होगा। कोई भी असेट अगर डिक्रीज होगी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कि वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस में तो कभी गलती के चांस ही नहीं है, ठीक है। अगला नाम स्टॉक। स्टॉक भी बाय नेचर करंट असेट है, सभी करंट असेट और करंट लायबिलिटीज यहाँ पे आएंगी। अब देखो, स्टॉक 40 भी नहीं आएगा, 60 भी नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा। और ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हो गया। यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज हो गया स्टॉक में, और 20,000 का डिक्रीज हुआ है, 20,000 ही मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, क्योंकि कोई भी ऐसा डिक्रीज होगी मुझे प्लस करना है। फिर आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेंस का नाम है, और अगर ये कैश एक्सपेंस होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता, बैलेंस शीट में नहीं आ सकता था। नॉन कैश एक्सपेंस सबसे पहले आएंगे। ये गोल्डन रूल बता दिया तुम्हें कि कभी भी प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अलावा कोई और एक्सपेंस कैश नेचर का बैलेंस शीट में नहीं आ सकता। बाकी कोई भी एक्सपेंस का नाम नजर आता है तो समझ लेना नॉन कैश है, वो सबसे ऊपर आएगा।
ठीक है, तो पहले हमारा डिस्काउंट 3000 था, वैसे अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर नहीं होता, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है। डिबेंचर और शेयर आपके लिए खैर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इसमें लिखा है 3000 था पहले, कितना हो गया 2000। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर की जगह क्या कर देना, नए रूल के अकॉर्डिंग डिबेंचर कर देना, इसको मॉडिफाई कर देना शेयर की बजाय डिबेंचर, क्योंकि डिस्काउंट ऑन शेयर अब नहीं हो सकता। अच्छा, कितने का इसके अंदर हुआ है, 1000 का इसमें डिक्रीज हुआ है। और असेट साइड में कुछ भी अगर डिक्रीज होगा तो हम क्या कर देंगे, उसे इंक्रीज कर देंगे, हम प्लस ही करेंगे। उसके बाद बैंक बैलेंस, ये तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ आंसर में। अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, पहले 180000 का बैलेंस था जो बढ़कर 200000 हो गया। शेयर इशू क्यों होंगे, बढ़ कैसे गई शेयर कैपिटल, इशू क्यों होंगे, शेयर डिबेंचर लोन से जुड़े जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाए जाएंगे। यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं इशू ऑफ शेयर्स, जो कि 20000 है, ना तो 180000 लूंगा ना 200000 लूंगा, बीच का डिफरेंस लूंगा 20000। और लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी कोई भी लायबिलिटी तो उससे कैश बैलेंस इंक्रीज ही होगा। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपको पता है एक्सपेंस का नाम है, और एक्सपेंस का नाम अगर बैलेंस शीट में शो हो रहा है इसका मतलब ये नॉन कैश टाइप है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा इसको। अच्छा, लायबिलिटीज में ही ना बैलेंस, तो रूल वही जाएगा, कोई भी लायबिलिटी, एनी लायबिलिटी, अगर उसका बैलेंस इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे आके वो प्लस ही किया जाएगा, और डिक्रीज हो गया तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स रहा होगा ये डेप्रिसिएशन रिजर्व, और ये 2000 का इंक्रीज है तो 2000 मैंने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, क्लियर है। अगला क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी की तो जरूरत है स्टार्ट करने के लिए, हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट सीधा सीधा नजर नहीं आता, तो आपको बैलेंस शीट के अंदर पीएनएल की हेडिंग नजर आएगी। पिछले साल तक प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बैलेंस 45000 था, इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना आ गया है, 72000। ये तो बढ़ गया बैलेंस, बढ़ने का कारण इस साल कुछ नई कमाई हुई होगी, कुछ नया प्रॉफिट कमाया होगा, इसका बीच का डिफरेंस बताइए कितना है, 27000। लायबिलिटी साइड में अगर कोई भी एंट्री बढ़ रही है तो प्लस ही की जाएगी, उसको शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा जी यहां से नेट प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया डिबेंचर, डिबेंचर शेयर लोन तो फाइनेंस होते हैं, तो इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। ये तो कम हो गए, 60000 का बैलेंस था पहले, अब कितना हो गया 54000, 6000 रुपये की कमी होगी, क्या रीजन रहा होगा, अरे रिडम्पशन कर दिया होगा आपने, डिबेंचर का तो रिडम्पशन भी होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और ये 6000 का डिक्रीज है, लायबिलिटीज डिक्रीज होते हैं तो माइनस करते, मैंने माइनस कर दिया। फिर इसके आखिरी चीज आ गई वो है क्रेडिटर, क्रेडिटर तो करंट लायबिलिटीज है, तो करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज सारी यहाँ पे आनी है, यहीं पे आएगा, ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, और कितने का डिक्रीज है इसमें 3000, लायबिलिटीज डिक्रीज हुई है तो माइनस करना है, मैंने पहले लिख दिया इसके अंदर गोल्डन रूल के असेट्स और लायबिलिटी में जो चेंज होगा उसका यहाँ पे आके असर कैसा पड़ेगा, कोई भी असेट कोई भी लायबिलिटी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहाँ लिख रहे हैं, लेकिन आपको इंपैक्ट इसी तरीके से डालना पड़ेगा, ठीक है जी, हो गया। तो यहाँ का टोटल कर लेते हैं हम, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले टोटल हमारा कितना आ गया, 30000। अब 30000 के अंदर देखेंगे तो हमारा टोटल ये 33000 प्लस हो गया, 63000 प्लस हो गया, और 3000 माइनस, नेट बैलेंस 60000 रहा। ये मेरा फाइनल जवाब है इस एक्टिविटी का। अगर इनकम टैक्स होगा तो यहाँ पे सब हेडिंग और बनेगी, फिलहाल इनकम टैक्स था नहीं, तो मैं इसे क्या बोलूँगा, नेट कैश फ्रॉम, प्लस में आगे जवाब बोलेंगे फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर यहाँ पे एक ही एंट्री थी वो भी माइनस की रही, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70000 रुपीज माइनस में, और क्या जवाब दूंगा, क्या है ये है नेट कैश, अगर प्लस में आता तो मैं फ्रॉम लिखता, यहाँ पे लिखूंगा यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 14000 बचा प्लस का, इसे बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर जो 4000 था आ गया है, हाँ जी आ गया है, 60000 प्लस का है, 14000 प्लस का है, 74000 प्लस का हुआ, और 70000 क्या हो गया माइनस का, नेट रिजल्ट हमारा 4000 आना था वो आ गया, ठीक है। अच्छा, एक ये जो बैलेंस शीट का परफॉर्म है वो वैसे रियलिटी में सेम नहीं आएगा, अब ये ओल्ड परफॉर्म है, नया परफॉर्म जो है वो आपको पता ही है कि नया फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया, उसमें ग्रुप बनते हैं और शेड्यूल बनते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वर्टिकल फॉर्मेट, ये मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए पहले चीज़ों को कहाँ शो और कैसे करते हैं, उसके बाद हम नए परफॉर्म पे आ जाएंगे। क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा बिल्कुल सेम परफॉर्म का नहीं आएगा, जो आपको क्वेश्चन छपा हुआ है वो से नहीं आएगा, बल्कि नए फॉर्मेट का आएगा, ठीक है, कंप्लीट है। पेज नंबर 1 पर ही अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस बार क्वेश्चन में एक छोटा सा वर्किंग नोट बनना शुरू होगा।
फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कोई वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन और उसके आगे जो क्वेश्चन होंगे इसमें एक छोटा सा वर्किंग नोट आपके लिए बनाना जरूरी हो जाएगा। जो सबसे पहले आपने लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हमें उसके लिए नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, नोट वन प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मैं कुछ एक नाम लिख रहा हूं, उनमें से कोई एक नाम भी आ रहा है, अगर क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई जनरल रिजर्व आ रहा है या फिर रिजर्व फंड आ रहा है, सिंकिंग फंड आ रहा है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड आ रहा है, मतलब ये फंड ही है सारे के सारे, या फिर टैक्स की एंट्री आ रही है या फिर डिविडेंड की एंट्री आ रही है, अगर कोई भी ऐसा नाम नजर आ रहा है आपको, तो आपको एक वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ेगी। टैक्स की एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से आ सकती है, डिविडेंड की एंट्री प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड के नाम से आ सकती है, और उसके अलावा रिजर्व आ सकते हैं, फंड आ सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी नाम आ गया तो आपके लिए नोट बनाना जरूरी हो जाएगा। क्यों जरूरी हो जाएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कोई नाम आ रहा है क्या नजर? हाँ, जनरल रिजर्व एक नाम आ गया जो कि हमारी इस लिस्ट में आ रहा है, जनरल रिजर्व आ गया, तो हमें एक नोट बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। ये जो नोट हमें बनाना होगा उसका परफॉर्मा भी आपको आपके नोट्स में गिवन है, पेज नंबर 22 पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे वो गिवन है, जिसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसको हमें बनाने का तरीका बताया गया। वैसे इस तरीकों को आपको देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना पुराना कंसेप्ट जो गोल्डन रूल मैंने लिखा है उसी को फॉलो करना, आपका जवाब आ जाएगा। आपकी एसेट इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, माइनस, और डिक्रीज होगी तो प्लस। बस कुछ एक एंट्रीज को यहां पे ना करके वर्किंग नोट में डील करेंगे। जितने भी नाम मैंने यहां पे लिखे ना, उनके इफेक्ट सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं डालेंगे, बल्कि एक वर्किंग नोट के अंदर पहले सेम ये तरीके से इफेक्ट लेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना आंसर जो यहां से निकलेगा उसे यहां पे पोस्ट करेंगे। और इसमें जो शुरुआत होगी किससे शुरुआत होनी थी, नेट प्रॉफिट से होनी थी ना, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट सीधा वहां पे ना लिख के यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। और ये जितने भी नाम लिखे हैं, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, टैक्स या डिविडेंड, इनसे जुड़े जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनका इफेक्ट सीधा स्टेटमेंट में लेकर वहां पे लेंगे। रूल वही चलेगा जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। पहले इस क्वेश्चन का जरा एक बार आंसर निकालते हैं, देखते हैं कितना चेंज होता है इस काम को करने से। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले असेट साइड से बैलेंस पोस्ट करना शुरू करते हैं। जो बैलेंस डायरेक्ट इसमें गिवन है वो यूज नहीं होंगे, बल्कि डिफरेंस यूज होंगे। सिर्फ एक कैश, बैंक या मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उसको एज ए आंसर यूज कर लेंगे। तो चलो पहले मैं कैश, बैंक या मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही ढूंढ लेता हूं। इसमें है क्या कोई बैलेंस? हाँ जी है, बैंक का बैलेंस है सिर्फ। अगर कैश और बैंक दोनों, तो दोनों को ऐड कर लेना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किसका बैलेंस है? बैंक का बैलेंस है। चलो बताओ शुरू में बैलेंस कितना है? 2011 में ये बैलेंस है 11,000 और 2012 में हो गया 51,000। आंसर मुझे सबसे पहले मिलेगा, सॉल्यूशन से पहले आंसर आ जाएगा। 11,000 ओपनिंग बैलेंस है और 51,000 क्लोजिंग बैलेंस है। इट मीन्स जो मेरा आंसर है वो 40,000 इंक्रीज शो हो रहा है, 11,000 से 51,000 पहुंच गए, मतलब आंसर है 40,000। ये 40,000 में से कुछ ऑपरेटिंग है, कुछ इन्वेस्टिंग है और कुछ फाइनेंसिंग है। अब वो हम एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर हमें मिल गया, अब इसके लिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले असेट साइड से पोस्टिंग ले रहा हूं। पहला नाम इसमें ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है टोटल ऑफ फिक्स असेट्स, टोटल ऑफ फिक्सड। हमें पता है फिक्सड को खरीदना और बेचना जो भी होगा वो कौन सी टाइप में अंदर शो किया जाएगा? इन्वेस्टिंग में। पहले हमारे पास 2,70,000 का बैलेंस था। अच्छा एक चीज और बता दूं, जब ग्रॉस ब्लॉक होते ना उसमें एक रुपए की भी कमी, वैसे नॉर्मली असेट में रीजनेबल कमी को हम डेप्रिसिएशन रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ग्रॉस ब्लॉक का मतलब डेप्रिसिएशन हटा के असेट का बैलेंस है, तो उसमें एक रुपए की भी कमी अगर हो रही है तो वो सेल ही रीजन है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो परचेज, ठीक है। तो यहां पे ग्रॉस ब्लॉक में बैलेंस पहले 2,70,000 था, मतलब टोटल ऑफ फिक्स्ड डेप्रिसिएशन को हटा के 2,70 बैलेंस था। अब टोटल ऑफ फिक्स्ड कितनी बची है? 2,50,000। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं लिया गया होता है ग्रॉस ब्लॉक में, इसलिए इसमें कमी का कारण डेप्रिसिएशन मत मानना। वैसे डेप्रिसिएशन मान सकते थे, रीजनेबल है 20,000 की कमी, लेकिन अब डेप्रिसिएशन अगर कारण नहीं है तो बता सकते हो कमी का क्या कारण है? सेल। और सेल करना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। यहां पे लिखूंगा मैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ग्रॉस ब्लॉक का मतलब फिक्स्ड एसेट्स ही होता है। और रूल वही है, कोई भी असेट अगर इंक्रीज हो रही है तो कैश को डिक्रीज करता है, और अगर असेट डिक्रीज हो तो कैश को इंक्रीज करता है। तो ना 2,70 दिखाएंगे ना 2,50,000 दे देंगे, 20,000 पे दिखाएंगे, वो भी प्लस करके। क्लियर है सबको?
आ जाओ अगली एंट्री पे। अगली एंट्री है डेटर। डेटर है हमारी करंट असेट्स। जितनी भी करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़ के बचेंगी, वो सबसे ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगी। डेटर इंक्रीज है कि डिक्रीज है? डिक्रीज है। यहाँ पे लिखो डिक्रीज इन डेटर्स। पहले बैलेंस था 93,000, अब 83,000, 13,000 का डिक्रीज है। कोई भी असेट अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसे इंक्रीज दिखाएंगे। रूल मैंने लिख दिया। आगे स्टॉक, ये भी करंट असेट है बट ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया। यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक। ना फर्स्ट ईयर की फिगर लेंगे ना सेकेंड ईयर डिफरेंस लेंगे जो कि है 14,000, और ये इंक्रीज हो गया है तो मैं इसे क्या कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। बैंक बैलेंस मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। फिर इसमें है एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। पहले मैं बता चुका हूँ कि बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अलावा कोई भी एक्सपेंस आ रहा है तो वो नॉन कैश एक्सपेंस रहा होगा और सबसे ऊपर जाएगा। लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, छापी है मैंने इसके अंदर, पेज नंबर 21 पे प्रिंटेड है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही आपको पता चलेगा सबसे ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ कितना? रूल हमें पता है, असेट में आइए तो असेट अगर डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, हमसे इंक्रीज ही करेंगे, और ये डिक्रीज हो रहा है 1000, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं इसके अंदर हम लायबिलिटी साइड में। शेयर कैपिटल, पहले भी बैलेंस 2 लाख था, अभी भी बैलेंस 2 लाख है, हमें तो डिफरेंस, ये डिफरेंस है ही नहीं तो एंट्री नहीं करेंगे। अगली एंट्री पे आ जाओ, डेप्रिसिएशन। सबको पता है डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है, और बैलेंस शीट में आ गया मतलब नॉन कैश है। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के अलावा कोई भी एक्सपेंस आ रहा है तो नॉन कैश है, सबसे ऊपर जाएगा ये। यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, या यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन रिजर्व, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व। कितना था पहले बैलेंस? 40,000, अब कितना हो गया? लायबिलिटी साइड में ना नाम, सो लायबिलिटीज इंक्रीज होगी, मतलब प्लस करके दिखाना है मुझे डिफरेंस बीच में जो कि है 22,000। क्लियर है? बीच का डिफरेंस 22,000 है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस, ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट है। पिछली बार मैंने नेट प्रॉफिट सीधा यहाँ पे भर दिया था, लेकिन अभी मैंने बोल दिया अगर क्वेश्चन में रिजर्व है, टैक्स है, डिविडेंड है, फंड है, तो आप सीधा नहीं लिखेंगे, पहले वही काम जो यहाँ कर रहे थे अलग से एक नोट में करेंगे। तो नेट प्रॉफिट कितना है, कैसे पता चलेगा? ये होगा डिफरेंस इन पी एंड एल अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस है वही है, और कोई खास बात नहीं है। ये पहले डायरेक्ट मैंने वहाँ पे लिख दिया था, अभी यहाँ पे लिखूंगा। पहले बैलेंस कितना था? 45,000, जो अब कितना हो गया है? 72,000, मतलब पूरे 27,000 का बढ़ोतरी हुई है। लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो प्लस ही दिखाना, रूल वही चलेगा, भले मैं वर्किंग नोट में कर रहा हूँ काम। फिर आ गया इसके अंदर जनरल रिजर्व। पहले जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था? 60,000, और फिर कितना हो गया? 40,000। ठीक है, जितने भी रिजर्व है, फंड है, टैक्स है, डिविडेंड है, सबका असर यहीं पर जाएगा, रूल वही चलेगा। इंक्रीज है तो डिक्रीज, सॉरी लायबिलिटीज है ना, लायबिलिटीज में है ये नाम, तो लायबिलिटी में अगर इंक्रीज हुआ तो प्लस होगा और डिक्रीज हुआ तो माइनस। ये तो डिक्रीज हो गया तो लेस करना पड़ेगा, क्या आप कहेंगे जी? लेस करना पड़ेगा डिक्रीज इन जनरल रिजर्व। कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा हमें इसके अंदर? टोटल 20,000 रुपीज का इसमें डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होता, लायबिलिटी का रूल ही चल रहा है, इंक्रीज होता बैलेंस तो मैं प्लस करता, और ये डिक्रीज हो गया तो क्या कर दिया मैंने? माइनस। अच्छा, फिर आया डिबेंचर। डिबेंचर, लोन, शेयर, सब क्या होता है? फाइनेंसिंग। यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज का क्या मतलब निकालूं मैं? पेमेंट की होगी। डिबेंचर का बैलेंस इंक्रीज तो मतलब इशू, और कम हो गया मतलब रिडम्पशन। यहां पे लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने का रिडम्पशन हुआ यहां पे? 10,000 पे, और अगर ये कम हो गया तो यहां पे क्या कर देंगे? माइनस। यही रूल मैंने जनरल रिजर्व पे भी लगाया था, उसमें भी डिक्रीज हुआ था तब भी माइनस ही हुआ था। आखिरी इसमें एक क्रेडिटर, ये तो करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज यहां पे आएंगी। यहां पे लिखेंगे और ये बैलेंस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितने का इंक्रीज हुआ इसमें? 1000 का इंक्रीज है, लायबिलिटी इंक्रीज मतलब प्लस। टैक्स नहीं है इसमें, टैक्स होता तो फिर सब एडिंग बनती, अभी नहीं आ रहा टैक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में टैक्स भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने वहाँ से जो फाइनल रिजल्ट है वो चेंज हो गया थोड़ा सा। 27,000 की जगह हमारा बैलेंस कितना बचा? 7,000। हम यहाँ पे शुरुआत जो करेंगे वो 7,000 से करेंगे, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, मेरा नोट नंबर 1 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था नोट नंबर 1 से मुझे पता लगा लें। टोटल कितना हो जाएगा? 7,000 प्लस 1,000, 8,000 और 20,000 कितना हो गया? 30,000 यहाँ पर गया। 30,000 में देखो कि प्लस और माइनस बराबर ही है, 14,000 ही प्लस है और 14,000 ही माइनस है, तो फाइनल जवाब यहाँ पे क्या होगा? 30,000, जिसे क्या बोलेंगे? नेट कैश फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी है हमारी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे भी एक ही एंट्री आई है 20,000 पे, जिसे क्या बोलेंगे, कौन से टाइप की एक्टिविटी है? नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
50 हो गया, अभी ये तो 40 ये था, देखो यहाँ पे आ गया 10,000 नेगेटिव भी आ नहीं था, मुझे पता है 40,000 का इंक्रीज होगा, तो 50,000 का इंक्रीज, 10,000 का डिक्रीज, नेट 40,000 का इंक्रीज, क्या बोलेंगे इसे, क्या है, नेट कैश यूज्ड है यहाँ पे, यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्लियर है बात। अच्छा ऐसे आंसर आ गया, कोई हमें नोट की तरफ देखना नहीं पड़ा, पेज नंबर 22 पे लिखा हुआ था नोट, लेकिन देखना नहीं पड़ा, वहीं पे काम कर दिया हमने, वैसा का वैसा काम कर दिया, जवाब आ गया। अब बस एक छोटा सा सवाल है कि ये काम अलग से करना हमारे लिए क्यों जरूरत है, ये इफेक्ट तो मैं यहाँ पे भी शो कर सकता था, प्लस माइनस तो मैंने यहाँ पे जैसे किया वैसे वहाँ पे किया, तो क्या वजह रही कि मैंने अलग से एक नोट बना के ये एडजस्टमेंट आपको कराई, उसका कारण है आपने जो यहाँ पे नाम लिखा है, वो आपने यहाँ पे नाम लिखा है, कौन सा प्रॉफिट यहाँ पे लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपने बोला है कि यहाँ पे जो मैं फिगर शो करूंगा वो कौन से वाली फिगर होगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही क्यों लिख रहे हैं, अरे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI ने इशू किया है, हम ये जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बना रहे हैं, और जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो तो जैसा टर्म जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज़ किया वही टर्मिनोलॉजी आपको यूज़ करनी जरूरी है। उन्होंने बोला है कि इसकी शुरुआत नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होगी, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही होगी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एक मैंने आप लोगों को जब रेशियो एनालिसिस कराया था तो मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बनवाई थी, उस इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि उसके अंदर कौन सी चीज़ कहाँ आती थी। आप अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले आता था सेल्स से शुरुआत होती थी, सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ माइनस होते थे, हमारे पास आ रहा था ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हो जाते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर एक स्टेप आता था उसके अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर उसके बाद क्या करते थे, पहले इंटरेस्ट माइनस करते थे तो आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद आप क्या करते थे टैक्स माइनस कर देते थे, तब आता था आपका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बाद आप क्या करते थे, उसके बाद आप पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देते थे, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, फिर इक्विटी डिविडेंड, वो सारा वर्क मैं इकट्ठा ही कर रहा हूँ, इक्विटी डिविडेंड देंगे, और रियलिटी में क्या करना होता है, लॉ कहता है कि रिजर्व वगैरह भी प्रॉफिट के बाद बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जितने भी रिजर्व क्रिएट करने हैं, फंड क्रिएट करने हैं, वो वर्क भी उसके बाद होगा, और उसके बाद जो बच जाएगा उसे कहाँ पे शो करोगे, उसको बचे हुए प्रॉफिट को बैलेंस शीट के अंदर शो करोगे, ये तुम्हारा स्टेप होता था, ठीक है, बैलेंस इन बैलेंस शीट। अब यहाँ पे देखें हमने जो नाम लिखा है वो कौन सा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब समझे, ये वाला जो स्टेप है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाला प्रॉफिट हमें यहाँ पे लिखना है जब भी क्वेश्चन को शुरू करना है। और आपने जो नेट प्रॉफिट उठाया वो कहाँ से उठाया था, बैलेंस शीट से, आपको जो नेट प्रॉफिट का बैलेंस मिला था, जो बैलेंस था P&L का, वो कहां से उठाया था आपने, बैलेंस शीट से, तो इसका मतलब आपने तो ये वाले प्रॉफिट से शुरुआत किया, ये वाला प्रॉफिट आप सीधा यहां पे कैसे ले सकते हैं, आपने यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैंने ये वाला स्टेप से शुरुआत होगी, आप पहुंचे हुए इस वाले स्टेप से, तो आपको बीच में जितना भी पार्ट है वो अलग से वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, जितना भी इसके बीच में हुआ है वो सारा क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर आप पहले पहुंचेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, और उसके बाद यहां पे लिख देंगे फिगर। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करो, इसके अंदर नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि जो कुछ माइनस होता था वो सारा सारा बैक आते वक्त क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अब क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने, अभी तो खैर इसमें जनरल रिजर्व आ गया, ये तो डिक्रीज हो गया था, नॉर्मली वो इंक्रीज होता है, जनरल रिजर्व जब क्रिएट करते हैं तो प्रॉफिट को कम करके हम रिजर्व में पैसा डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। आप जब मेन क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखोगे कि इक्विटी डिविडेंड प्लस हो रहा होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस हो रहा होगा, इनकम टैक्स प्लस हो रहा होगा, जनरल रिजर्व इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, इसलिए कभी ये प्लस भी होगा और कभी ये माइनस भी, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करोगे इक्विटी डिविडेंड हमेशा प्लस होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा प्लस होगा, और इनकम टैक्स भी हमेशा प्लस ही होगा, क्योंकि ये बदल नहीं सकते, रिजर्व इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, इसलिए इसका असर पड़ सकता है डिफरेंट, लेकिन बाकी सारी चीजें जब रिवर्स चलते हैं तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है, इसीलिए मैंने आप ध्यान से देख लिया जो नाम लिखे हैं वो सारे सारे इस पार्ट से रिलेटेड हैं, ये वर्क आपको यहाँ पे अलग से करना पड़ेगा, उसके बाद जो स्टेटमेंट जैसे बनती है एज इट इज बनेगी, क्लियर है, कंप्लीट। मैंने आपको बताया था हर एक फिगर जो इस स्टेटमेंट में यूज़ की जा रही है उसके अंदर हम ना तो करंट ईयर की फिगर लेते हैं ना लास्ट ईयर की फिगर लेते हैं, बल्कि क्या लेते हैं डिफरेंस, सिर्फ एक चीज़ के अंदर हमने वो फिगर करंट ईयर लास्ट ईयर की ले भी लिया, लेकिन किसके अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर हमने ओपनिंग बैलेंस भी शो किया और क्लोजिंग बैलेंस भी शो किया और इसके डिफरेंस से अपना आंसर निकाला, लेकिन बाकी जितने भी फिगर हैं उसके अंदर हमने ना करंट ईयर की फिगर को लिया है ना लास्ट ईयर की, बल्कि बीच का डिफरेंस लिया। इसके कुछ एक्सेप्शन है जिनमें पहला एक्सेप्शन टैक्स है और दूसरा एक्सेप्शन डिविडेंड है।
डिविडेंड और टैक्स जब आएगा ना, तब आप कभी भी डिफरेंस की एंट्री नहीं करेंगे। वैसे 99% हर जो एंट्री इसमें आती है उसका डिफरेंस लेते हैं, लेकिन 1% के अंदर क्या क्या आ गया? एक तो हमारे पास क्या आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दो चीजें और बता रहा हूं, डिविडेंड एंड टैक्स। इसमें भी कभी भी डिफरेंस नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, करंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों फिगर को कहीं ना कहीं प्लेस करेंगे। ऐसी क्या वजह है कि जब सबका डिफरेंस ले रहे हैं तो इनका डिफरेंस नहीं लेना है? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि टैक्स का एक्चुअल में सिस्टम क्या होता है, टैक्स किस तरह की हमारी लाइबिलिटी है, किस तरीके से वो लगता है, किस तरीके से वो पे होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिफरेंट ईयर ले लेता हूँ ये समझाने के लिए कि इनकम टैक्स कैसे पता लगता है, कैसे हमारे पर वो लाइबिलिटी बन जाता है और कैसे उसे हम पे करते हैं। तो पहली बात, इनकम टैक्स सरकार फिक्स कर देती है सारी दुनिया के लिए, सारे लोगों के लिए, भैया तुम्हारे को इस साल इतना इतना इनकम टैक्स देना है। और उस इनकम टैक्स को कमाने के लिए हमें टारगेट मिल गया, जैसे हमें ऑफिस में एक टारगेट मिल जाता है सेल्स का, तो इनकम टैक्स भरने का सरकार ने हमें टारगेट दे दिया जिसको पूरा करने का। तो किस बात पर डिपेंड करता है इनकम टैक्स? ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इस साल क्या कमाएंगे। सरकार ने कोई टैक्स का हमें टारगेट नहीं दिया, भैया तुझे 50,000 का इनकम टैक्स लगा दिया, अब तू 50,000 पे टैक्स भरने के लिए कमाई शुरू कर, ऐसा नहीं होता। हमारी जो कमाई होती है उसके हिसाब से सरकार हमसे टैक्स मांगती है, ठीक है? तो टैक्स हमारी एक्चुअल में अर्न हो चुकी इनकम के ऊपर लगता है, ना कि पहले से फ्यूचर में ही डिसाइड हो जाता है कि कितना टैक्स हमें भरना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, ये टैक्स हर साल सेम रहता है या बदल जाते हैं? कैसे बदल जाते हैं? हमारी इनकम बदल जाती है तो हमारा टैक्स भी बदल जाता है। तो मैं डिफरेंट ईयर ले लेता हूँ, से ये 2015 है, फिर 2016 है, फिर 2017 है, फिर 2018, फ्यूचर में भी चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये फिगर यहाँ पे लिखने वाला हूँ। आपको क्या लगता है, एवरी ईयर हमारी सेम इनकम एकदम बनी रहेगी? नॉर्मली हम क्या चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, और प्रोग्रेस से क्या होता है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। आप इवन जॉब भी करते हैं ना, तो हर साल सेम सैलरी मिलेगी ना, तो आपका आप कहोगे सर सैलरी बढ़ा दो, पिछले साल भी वही सैलरी थी, महंगाई बढ़ गई, प्रॉफिट हमारा हो नहीं रहा, सैलरी आपने बढ़ाई नहीं, सैलरी बढ़ा दो, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। ये ट्रेंड मैं यहाँ पे बिजनेस में भी कॉपी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ से हमारा नेट प्रॉफिट डिफरेंट डिफरेंट ईयर में डिफरेंट डिफरेंट रहा, और मैं इंक्रीजिंग ट्रेंड लेकर चलता हूँ जो कि नॉर्मली प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है? तो पहले साल से मैंने कहता हूँ कि 5 लाख रुपये कमाए, अगले साल हमने फिर 8 लाख कमाए, फिर 10 लाख हो गया प्रॉफिट, और अब 15 लाख होने की संभावना है। समझ लो, संभावना वाले प्रॉफिट पे तो टैक्स लगेगा नहीं, जो कमा चुके हो टैक्स सिर्फ उस पे लगेगा। पहली बात तो समझ लेना, जो कमाया जा चुका है, जो आपने सोचा है उसके ऊपर टैक्स नहीं है। आप सोच लो अगले साल जो है हम 1 करोड़ रुपए कमाएंगे, सोच पे नहीं, जो कमाया है टैक्स उस पे भरना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, ये तो आपका प्रॉफिट है जो डिफरेंट ईयर में होगा। सरकार टैक्स जो है वो फिक्स नहीं रखती, वो आपकी इनकम के हिसाब से बढ़ता और घटता रहता है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि सरकार ने टैक्स का रेट एक दे दिया कि भैया जो कमाओगे उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 30% का टैक्स लगेगा। तो अगर हमने 5 लाख रुपए कमाए तो हमें कितना टैक्स भरना पड़ेगा, 1,50,000। अगर 8 लाख कमाए तो उसका 30% 2,40,000। अगर 10 लाख कमा लिए तो 3 लाख, और अगर 15 लाख कमा लिए तो 4.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स लगेगा। और रियलिटी में जो प्रॉफिट है ये जो था वो बिफोर टैक्स था। इसको देने के बाद आपके पास क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आप अपनी जेब में डाल सकोगे और शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो आपके पास बैलेंस जो बचेगा वो 3.5 लाख बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 5,60,000, यहाँ पे 7 लाख, और यहाँ पे बचेगा 10,50,000, जो तुम क्या कर सकते हो, मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इस प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट तुम क्या करोगे, डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को, ये तुम्हारी चॉइस की बात है, इसमें फिक्स रेट नहीं है, तुम्हारा जितना मन करे उतना तुम क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और जो बाकी बच जाएगा वो तुम बैलेंस शीट में शो कर दोगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? अच्छा, मुझे पहले ये बताइए, ये जो 2015 का प्रॉफिट है ये मुझे 2015 की शुरुआत में ही पता चल जाएगा, या 2015 एंड होने के बाद कैलकुलेशन होगी? एंड होने के बाद कैलकुलेशन होगी, हम कोई फ्यूचर में नहीं बता सकते कि कितना प्रॉफिट। ये जो मैंने 2018 बनाया, काट दो इसको, ये तो फ्यूचर की बात मैंने कर दिया, इस पर ना कोई टैक्स भरना है ना डिविडेंड, ये तो तुमने सिर्फ प्लान बनाया है, एक्चुअल में ये वर्कआउट नहीं होगा। वर्कआउट वो होगा जो पास्ट बीत चुका है, फ्यूचर की वर्किंग नहीं हो सकती अकाउंटिंग में, ठीक है? तो एक ईयर तो मैंने डंप ही कर दिया, उसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये आप बोल रहे हो कि 2015 का प्रॉफिट है, तो इसकी कैलकुलेशन रियलिटी में 2015 में ही कर ली जाएगी। कब की जाएगी इसकी कैलकुलेशन, 2016 में, 2015 जब खत्म हो जाएगा तब उसके बाद तुम फाइनल अकाउंट बनाना शुरू करोगे, और जिस दिन तुम फाइनल अकाउंट बना रहे होगे उस दिन कैलेंडर में डेट देख लेना, 2015 की तारीख नहीं होगी, 2016 की कोई तारीख होगी।
2016 में आप प्रॉफिट निकालोगे 2015 का। ये जो प्रॉफिट 2016 का है, ये डील 2016 में हुए थे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, लेकिन इसकी कैलकुलेशन दिसंबर के बाद अगले साल 2017 में की गई है। और जो 2017 का प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन कब की जाएगी? 2018 में की जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है 2015 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे 2015 का, कैलकुलेशन 2016 में हो रही है। और सरकार तुमसे, मैंने पहले ही बोल दिया था, फ्यूचर के टारगेट नहीं देती, पहले आप कमाओ फिर टैक्स देना। तो ये जो 2015 का इनकम पे टैक्स है तो 2015 का इनकम टैक्स, लेकिन क्या तुम्हें पेमेंट भी 2015 में करनी पड़ गई थी? एडवांस पेमेंट करी थी क्या तुमने? नहीं, रियलिटी में तुम्हें इसकी पेमेंट 2016 में करने के लिए सरकार कहेगी। है 2015 की इनकम, लेकिन टैक्स 2016 में चुकाना पड़ेगा। ये 2016 की इनकम है, 2016 के ही प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, लेकिन जिस समय पेमेंट करने का टाइम होगा उस टाइम ईयर 2017 चल रहा होगा। और जो 2017 की इनकम है उसका इनकम टैक्स 2017 के ही प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, लेकिन ईयर जब पेमेंट करोगे तो 2018 चल रहा होगा। क्लियर है बात? अच्छा, सरकार तुमसे डिफरेंस मांगेगी कि चलो जी पिछले साल तो तुमने 1.5 लाख भर दिया था, अब तुम्हारी इनकम के पर टैक्स 2,40,000 है, तो बीच का 90,000 भर दो। वो कहेगी वो पिछले साल की इनकम पे टैक्स भरा, इस साल की इनकम में फिर पूरा टैक्स भरो, पूरा टैक्स भरो, डिफरेंस में भरो, पूरा टैक्स भरो, और अगले साल फिर से पूरा टैक्स 3 लाख भरना। ये नहीं पिछले साल भर दिया था, वो पिछले साल की इनकम का टैक्स था, अब दोबारा से शुरू से टैक्स भरना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ टैक्स नहीं भर सकते, आपको फुल टैक्स भरना पड़ेगा। क्लियर बात ये? चलिए अब मैं इसको थोड़ा कंसाइज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ दो ही साल में तुम्हें दे रहा हूँ, 2016 और 2017, और मैं तुमसे जानना चाहता हूँ मुझे 2016 का कैश फ्लो बताओ, कैश फ्लो बताओ, कौन से ईयर का? 2016 में। तो आप बताओ 2016 में तुम्हें कितना कैश चुकाना पड़ा है? क्या ये वाला इनकम टैक्स तुम्हें भरना पड़ा है? नहीं, ये वाला इनकम टैक्स इस साल दिखाएंगे जरूर प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन पेमेंट इसकी नहीं करेंगे, पेमेंट हमने इसकी की होगी। तो इस साल जो आपने पेड किया है, ये किया है, ये अभी नॉट पेड है, ये कब पेड होगा? ये तो अगले साल पे होगा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2016 का जो तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस दूंगा, ये तो मैंने 2015-16 की इन्फॉर्मेशन दी, मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी दे रहा हूँ। पीएनएल अकाउंट बना दिया मैंने, यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे मेरे को दिखाना है इनकम टैक्स। तो बताओ मैं इनकम टैक्स जो 2016 का प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें क्या इस वाले इनकम टैक्स को दिखाऊंगा? कौन सा इनकम टैक्स दिखाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में तो इसी को दिखाऊंगा, लेकिन पेमेंट मुझे इसकी करनी है। करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर के पीएनएल में दिखाया जाएगा, पेमेंट उसकी अगले साल होगी। और ये तो आपने पेड भी नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये कौन से टाइप का एक्सपेंस हो गया? नॉन कैश एक्सपेंस। और नॉन कैश एक्सपेंस सारे के सारे प्लस होते हैं। आप अपनी स्टेटमेंट देख लेना, इसके अंदर पेज नंबर 22 पे टैक्स, आपको यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन है इसमें दो टैक्स होंगे, जा क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, दो टैक्स है, एक करंट ईयर का है 50,000, एक है लास्ट ईयर का। इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में आपने 50,000 दिखाया, लेकिन पेमेंट आपने किसकी की है? 40,000। जो 50,000 आपने दिखाया वो नॉन कैश है, वो पूरा का पूरा यहां पे आ जाएगा। और 40,000 सरकार ने तुमसे ऐंठ लिया, रियलिटी में कैश आउटफ्लो होगा। और यहां पर टैक्स पेड जो है वो 40,000 पे क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। डिफरेंस नहीं पे करोगे आप, अभी का 50,000 जो लग गया वो भी अगले साल पूरा का पूरा देना पड़ेगा, डिफरेंस नहीं देना पड़ेगा। 10,000 पूरा का पूरा देना होगा 50,000, लेकिन जो अभी 40,000-50,000 है वो अगले साल पेड होगा, इस साल वो नॉन कैश है। हर बार जो भी तुम्हारा टैक्स होगा, करंट ईयर का टैक्स नॉन कैश होगा, वो पीएनएल में होगा, पेड उसको नहीं। हर बार करंट ईयर का टैक्स तुम्हारा क्या होगा? नॉन कैश। और नॉन कैश एक्सपेंस प्लस करते हैं, लेकिन मैंने बताया ये लिस्ट के सारे काम को आप अलग से यहां पे नहीं करेंगे, बल्कि वर्किंग नोट में करेंगे, प्लस ही करेंगे। और जो पिछले साल का टैक्स था वो तो आउटफ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया तो उसे स्टेटमेंट में जरूर डालना पड़ेगा। तुम यहां पर सबसे लास्ट में कैश को, कैश की जो ऑपरेटिंग एक्ट उसमें से उसे माइनस कर देंगे। सेम इसके साथ अगले क्वेश्चन है, उसमें देखो इनकम टैक्स फिर से दो दिए हुए, एक 2011 का है 10,000, एक 2012 का है 8,500। 8,500 नॉन कैश है, इसकी पेमेंट नहीं हुई होगी, ये प्लस हो जाएगा। और जो 11,000 है उसकी, सॉरी 10,000 है उसकी पेमेंट होगी होगी, ये आउटफ्लो बना रही है टीम में, आउटफ्लो क्या कर देंगे यहां से माइनस, डिफरेंस की एंट्री नहीं होगी। क्लियर बात समझ आ गई? अच्छा, अब एक चीज और नोटिस करो, मैंने टैक्स के बाद डिविडेंड की बात की थी, पहले मैंने बोला था टैक्स देंगे उसके बाद क्या देंगे? तो जब टैक्स ही आप पास्ट का फ्यूचर में देते तो डिविडेंड कैसे करंट का करंट में दे दोगे? डिविडेंड तो टैक्स के निकलने के बाद, नेट प्रॉफिट निकलने के बाद दिए जाते हैं। तो जो तुम 2015 का डिविडेंड दे रहे हो,
वो रियलिटी में 2015 में नहीं दे सकते तुम, 2007 टैक्स भी तो तुमने 2016 में दिया, तो डिविडेंड कैसे 2015 में? इसमें भी सेम कंसेप्ट चलेगा, करंट ईयर का डिविडेंड पेड नहीं हुआ होगा, करंट ईयर का डिविडेंड अगले साल पेड होगा, पिछले वाला डिविडेंड को हमने इस साल क्लियर किया होगा। तो डिविडेंड के अंदर भी यही कंसेप्ट है, डिविडेंड एक बार प्लस होगा और एक बार करंट ईयर का डिविडेंड यहां पे आएगा, जिसे बोलेंगे हम प्रपोज डिविडेंड। ये नॉन कैश है, ये प्लस नहीं हो सकता, ये माइनस नहीं हो सकता, ये प्लस हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कितना है वो प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड इसमें है 30,000 रुपये, और पिछले साल का डिविडेंड तो आपने क्लियर कर दिया होगा और रियलिटी में उसी में आउटफ्लो हुआ होगा, ये तो हमने दिया ही नहीं। और आपको मैंने बताया था शेयर डिबेंचर लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए ऊपर दिया गया डिविडेंड या इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड को जब पे करोगे तो यहाँ पे दिखाओगे। इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट में लगता है, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसलिए इसको आउटफ्लो को यहाँ पे दिखाया हमने, टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस किया, लेकिन डिविडेंड पेड कहाँ से माइनस होगा, फाइनेंसिंग में से माइनस होगा। 20,000 का जो डिविडेंड आपने पे किया, डिविडेंड पेड के नाम से फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। सब जगह डिफरेंस लेंगे, लेकिन टैक्स और डिविडेंड में डिफरेंस लेंगे, उसमें एक नॉन कैश होगा और एक कैश होगा। करंट ईयर वाला हमेशा नॉन कैश होगा, लास्ट ईयर वाला हमेशा कैश होगा, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। क्लियर है सबको?